Welcome back, students. In this lecture, we'll be studying the concept of comparison of ratios and practice at 4.2. Comparison of ratios. Comparison of ratios is mostly or loosely based on your denominator. आपके दो denominator हैं. 1/2, दूसरा है 3/4 such. Let me just give you a simple advice कि अगर आप नीचे denominator कम रखोगे तो आपका आंसर ज़्यादा आएगा कि कम आएगा. डेफिनेटली कम आएगा. क्यों? क्योंकि आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू, आपके डिवाइड करने वाले नंबर की वैल्यू डिवाइड होने वाले नंबर से ज़्यादा है. तो आपका, समझो आप केक लेते हो तो केक का हाफ कितना होता है ये, और केक का 3/4 कितना होता है इतना पार्ट, सॉरी केक का हाफ, ओके 1/2 + 3/4 हाफ प्लस दिस होता है आपका 3/4 पार्ट. तो डेफिनेटली आपको डिवाइड किया हुआ पार्ट कम मिलता है और इसमें डिवाइड किया हुआ पार्ट ज़्यादा मिलता है. तो 1/2 और 3/4 में फ़र्क क्या है? 1/2 और 3/4 में फ़र्क ये है कि अगर आप दोनों को कंपेयर करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको आंसर ये वाला बड़ा मिलेगा. क्यों? कंपेयर कैसे करना है? आप लिखोगे कंसिडर 1/2 = 3/4. मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि समझो इसकी वैल्यू सेम है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 × 4, 3 × 2, 4 × 1 = 4, 6 तो डेफिनेटली 4, 6 से छोटा है. मतलब आपका 3/4 ओके, आपका 1/2 3/4 से कम आएगा. आपने यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, लेट्स जस्ट ट्राई इट, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग हियर. सो यू हैव प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ a/b = ak/b. ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा. Fill in the blanks using substitute proper numbers in the following. Let's just take the second one. आपको first वाला आसानी से आ जाएगा. आपका है 9/14 = 4.5/-(-42) = -3.5. आपको ये fill up करना है. a = a/b = ak/bk. What is ak/bk? ak/bk is nothing but कि आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला नंबर का कॉमन नंबर मल्टीपल जो था वो है. यहाँ आप लिखोगे लेट 9/14 = 4.5/-. आप इसको ले लो, समझो x है, इसको ले लो y है, ये आपका z है. x, y और z आपको तीन नंबर जो है वो आपको नहीं मालूम है. उसके बाद आप क्या करोगे? आप लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 9 × x, ये वाला 9 × x = 14 × 4.5. हो जाएगा आपका x = 14 × 4.5. अब और डिवाइड हो रहा है तो 9 × 9 = 0.95 = 45. इन शॉर्ट आपका आंसर आएगा x = 7.0 × 14 × 0.5. आपको यहाँ पे आंसर आया 7.0. अब आप देखोगे यहाँ पे आपका a/b के हिसाब से क्या है, a = ak लिखा है, b = bk. a/b समझो आपका 9/14 है. a/b क्या हो गया फिर? 9 × k / 14 × k. ये k क्या है? k आपका कौन सा नंबर हो सकता है? इसका आपका वैल्यू क्या आ रहा है? 4.5/7.0 है ना. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, ये k क्या हो सकता है आपका 5
into 5 into 0.9 और यहाँ पे होगा 5 into 1.4। तो अभी आप देखोगे 5 into 0.9 करोगे तो भी आपको 4.5 आएगा, 5 into 1.4 करोगे तो भी आपको 7.0 आएगा। तो आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपको k क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है आपको, 5 आ रहा है। तो ये एक स्टेप है आप जिससे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अभी देखो आपको यहाँ पे 7.0 आ गया, मतलब आप कंसिडर करो 4.5 अपॉन 7.0 इज इक्वल्स टू y अपॉन 42। या इनडायरेक्टली आप उल्टा भी कर सकते हो कि आपने पहले को कंपेयर किया, इससे आपको 7.0, आप पहला और तीसरा कंपेयर करोगे वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 9/14 इज इक्वल टू वाई अपॉन 42। 42 यहाँ डिवाइड हो रहा है आ जाएगा तो मल्टीप्लाई अपॉन 14 इज इक्वल टू वाई। 14 9 3 कितना हो गया 27 इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 7.0। फिर आप कंसिडर करोगे पहला और फोर्थ वाला, 9/14 इज इक्वल टू जेड अपॉन 3.5। 9/ ये हो जाएगा 9 × 3.5 डिवाइड हो रहा है यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई अपॉन 14 इज इक्वल टू जेड, ये हो जाएगा आपका 7 × 2 ये हो जाएगा आपका 0.5 9 × 5 = 45 मतलब आपका आएगा आंसर 4.5/2 इज इक्वल टू जेड। 2 × 1 = 2 × 4 0 × 2 = 0 × 2 = 5 z is equal to आएगा आपका 2.25। ये था सिंपल सा कि अगर आपके रेशियोज इक्वल थे तो पहले और दूसरे को आपने कंसिडर किया x की वैल्यू निकाली नीचे वाले नंबर की वैल्यू, फिर पहले और तीसरे को कंसिडर किया उसके बाद आपने तीसरे का न्यूमरेटर निकाला, फिर आपने पहले और चौथे को कंसिडर किया और उसे उसका न्यूमरेटर निकाला। तो इसमें आपको इक्वल रेशियोज जब कंपेयर नहीं करने थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और आंसर निकालना था कि कितना आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट और सेकेंड आपको आ जाएगा करने के लिए बट थर्ड और फोर्थ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड विद लेंथ 7 cm आपको फाइंड आउट करना है एक स्क्वायर के डायगोनल और उसकी साइड का रेशियो कितना होगा। सबसे पहले आपको साइड की वैल्यू पता है पर आपको डायगोनल की वैल्यू नहीं पता। जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जाम्पल, ये है आपका स्क्वायर, ये 7 cm है, स्क्वायर है तो सब 7 cm होगा, ये भी 7 cm होगा, आपको उसके डायगोनल और उसके एक साइड का रेशियो निकालना। देयरफॉर ये समझा आपका ए बी सी डी, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए डी सी ये वाला पार्ट एंगल डी इज इक्वल टू 90 degrees, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर विच इज 7² + 7² इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर विच इज 49 + 49 98 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 98, स्क्वायर रूट ऑफ 98 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 49 × 2 विच इज 7√2 cm अगर आपने सर्च ढंग से पढ़ा है तो। आपको डायगोनल की वैल्यू आ गई, आपको साइड की वैल्यू पता है, आपको बस अभी रेशियो निकालना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, देयरफॉर रेशियो ऑफ डायगोनल टू इट्स
side, ratio of diagonal to each side is equal to 7 root 2, ये हो गया diagonal का value, upon 7, ये हो गया side का value, 7 और 7 cut, answer आएगा आपका root 2 ratio 1. Next is your length of sides of rectangle is 5 cm, 3.5 cm, you have to find out ratio of perimeter to its area. What is perimeter? Perimeter is addition of all the borders of any quadrilateral or polygon. आप लिखोगे length is equals to 5 cm, breadth is equals to 3.5 cm. आप लिखोगे perimeter is how much? 2 into L plus B, which is 2 into 5 plus 3.5, which is 2 into 8.5, which is 17.0 centimeter. फिर आप लिखोगे area is L into B, length into breadth, 5 into 3.5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 16, 17, 17.5 centimeter square. आप लिखोगे therefore ratio of perimeter to its area is equals to 17.0 upon 17.5. Take a good look at this one. We will move on to the third question, that is comparison of following ratios. Comparison of following ratios. अभी हमने concept पढ़ा, हम आगे उसको solve करेंगे. Third question, that is your comparison of following ratios. We will solve second and fifth question. ये second and fifth question थोड़े से hard है, इसलिए solve करेंगे. आपको दो question से समझ में आ जाएगा इस question का format और इसको answer करने का method क्या है. कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है. फर्स्ट थिंग यू विल कंसीडर 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 एंड रूट 63 अपॉन रूट ऑफ 125. कंसीडर करने में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 रूट 5 इनटू 125 रूट ऑफ 125, 5 रूट 7 इनटू रूट ऑफ 63. सर्ट के हिसाब से आपने पढ़ा है कि जो रूट के अंदर है वो मल्टीप्लाई होता है रूट ऑफ 5 इंटू 125. यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू 63. ये हो जाएगा 3 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू 125 गिव्स यू 625. 5 5 25 2 5 2 10 11 12 5 625. 3 इंटू रूट ऑफ 625. 5 इंटू रूट ऑफ गिव्स यू 5 7 3 21. 7 6 are 42, 43 44 441. 625 का स्क्वायर रूट है आपका 25. 3 into 25 यहाँ पे होगा 5 into 441. 441 किसका होगा? 21 का होगा. 3 into 25 is 75. 5 into 21 is 105. 75 is definitely less than 105. अब देखो आपको ये वाला पार्ट इससे कम आ गया, मतलब एक शर्ट क्या हो गया 3 root 5 upon 5 root 7 आपको रूट ऑफ 63 से अपॉन रूट ऑफ 125 से कम आ गया. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जहां पे आपका लेस देन ग्रेटर देन का काटा घूमेगा उस पर्टिकुलर वही से पर्टिकुलर डायरेक्शन में काटा आपका रेशियो में घूमेगा कि मतलब क्या हो गया आपका 3 root 5 upon 5 root 7 आपका रूट 63 अपॉन रूट 125 से कम हो गया. यहां पे भी करेंगे कंसीडर 9.2 upon 5.1 एंड 3.4 upon 7.1. आप लिखोगे 9.2 into 7.1, यहां पे 3.4 into 5.1. 9 ones are 9, 9 sevens are 63, 2 ones are 2, 2 sevens are 14. ये हो गया आपका 9502. 2 points ये हो गया आपका 20.59. 3.4 into 5.1, 3 ones are 3, 3 fives are 15, 3 sorry 4
4, 1's are 4, 4, 5's are 20, 3, 1's are 3, 3, 5's are 15. This becomes 4, 3, 7, 1 point. ये हो गया आपका 17.34. अब बड़ा कौन सा है, 20.52 is greater than 17.34, मतलब आपका 9.2 upon 5.1 is greater than 3.4 upon 7.1. जो मैं आपको पहले समझाने वाला था 1 upon 2 और 3 upon 4 के हिसाब से, ये जरूरी नहीं कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू बड़ी होती है, डेफिनेटली आपका कम डिनोमिनेटर वाला नंबर ही बड़ा होता है. So take a good look at this one. We'll move on to the fourth question. So the first question of the fourth question, first sub question, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is parallelogram. And ratio of angle A and angle B is 5:4. Find measure of angle B. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी. क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेलल, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आएगा, 180 डिग्री बाय इंटीरियर एंगल्स टेस्ट. सो यू विल राइट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ parallelogram, hence AD is parallel to BC and AB is transversal, जिससे क्या हो जाएगा, angle A plus angle B will be equal to 180 degree by interior angles test. Let common मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल भी x, कॉमन मल्टीपल x हो गया तो एंगल ए विल बी हाउ मच, 5x एंड एंगल बी विल बी 4x. ये हो गया आपका 1 फ्रॉम 1, 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x is how much, 180 upon 9, that is 20 degrees. आपको सिर्फ measure angle B चाहिए, therefore angle B is equals to 4x, which is 4 into 20, which is 80 degrees. Take a good look at this one. Fourth question का second question जो है वो आपने पिछले exercise में भी solve किया है, age wise sum है. अगर कोई डाउट होगा तो आप WhatsApp या कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे. बट टिल देन लुक अराउंड फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. थर्ड क्वेश्चन है आपका, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1 एंड पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर. अगेन पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर इज एडिशन ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन और क्लोज फिगर. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. आप लिखोगे लेट लेट कॉमन मल्टीपल बी x, कॉमन मल्टीपल x ले लिया, लेंथ आपकी आएगी 3x, ब्रेथ विल बी जस्ट x, पेरीमीटर इज हाउ मच, 36, 3x प्लस x इज इक्वल टू 36, 4x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 4 विच इज 9, 4 1s are 4, 9s are. Therefore, length is equal to how much? 3x, which is 3 into 9, that is 27 centimeter, and breadth will be just x, which is 9 centimeter. Yeh aapka third sum. Fourth sum is ratio of two numbers is 31:23. Ratio of two numbers is 31:23 and the sum is 216. Sum unka 216 hai. Find the
नंबर्स। व्हाट इज द डिफरेंस? आपको दो नंबर्स का रेशियो दिया है और कहा है उन दो नंबर्स को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो आंसर 216 आ रहा है। आपको वो पर्टिकुलर नंबर्स फाइंड करना है। आप फिर से लिखोगे लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया 31x, आपका सेकेंड नंबर क्या हो गया 23x। आप लिखोगे बाय गिवन कंडीशन 31x प्लस 23x इज इक्वल्स टू 216। 31 प्लस 23 हो जाएगा आपका 54x इज इक्वल्स टू 216। x इज इक्वल्स टू 216 बाय 54 विच इज 54 वन जा 54 फोर जा इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर फर्स्ट नंबर आपका आएगा 31 इन फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 31x विच इज 31 इंटू 4 विच इज 124। सेकेंड नंबर इज 23x विच इज 23 इंटू 4 विच इज 43 जा 12 42 जा 8 92। ये दोनों आपको नंबर्स मिल गए। ये था सम वाला। अभी है आपका फोर फिफ्थ क्वेश्चन विच इज योर प्रोडक्ट वन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360, रेशियो कितना दिया है आपका? रेशियो इज 10:9। फाइंड नंबर्स, अगेन लेट कॉमन मल्टीपल बी x। आपका फर्स्ट नंबर होगा 10x, सेकेंड नंबर होगा 9x by given condition 10x into 9x is equals to 360, x into x, x square, 10 into 9, 90, 360, आपका हो जाएगा x square is equals to 360 by 90, 0, 0 cut, 9, 1 are 9, 4 are, x square is equals to 4, मतलब x is equals to 2, आपको x is equals to 2 आ गया, तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, ये x is equals to 2, 10x और 9x में सब्सटीट्यूट करना है और इनडायरेक्टली आपको दोनों नंबर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तीनों सम्स बहुत इजी थे, टेक अ गुड लुक एट दिस वन। आगे जो सम्स आएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, सो ट्राई टू बी अवेयर इन दी लेक्चर। विल मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:1, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब अपॉन 15 बी स्क्वायर सी द होल क्यूब, ए क्यूब अपॉन 7 बी सी। टू गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, हमको ए बी और सी की वैल्यू नहीं पता बट ए बी और सी के रेशियो पता है। आप लिखते हो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सबसे पहले 3:1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आंसर देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3। फिर आप लिखोगे बी ए बी अपॉन सी इज 5:1, आपका आंसर आएगा देयरफॉर बी इज इक्वल टू 5c। आपको देखो अभी बी इज इक्वल टू 5c आ गया तो आप ये बी की वैल्यू यहां लिख सकते हो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3 इंटू बी का वैल्यू क्या है 5c, 3 इंटू 5c विच इज 15c। नाउ आपको ए का वैल्यू सी के रिस्पेक्ट में पता है, बी का वैल्यू भी सी के रिस्पेक्ट में पता है, सी का वैल्यू तो है ही पहले सी सी, तो आप ए की जगह 15c लिखो, बी की जगह 5c लिखो। ए क्यूब विच इज 15c द होल क्यूब अपॉन 15 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 5c स्क्वायर इंटू सी द होल क्यूब। 15c क्यूब इज नथिंग बट 15 इंटू 15 इंटू 15
ये 15 का क्यूब इंटू सी इंटू सी इंटू सी, ये सी का क्यूब। अब और 15 इंटू 5 सी स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 सी स्क्वायर हो जाएगा सी इंटू सी, और ये वाला बचा हुआ सी। आपके 15 सी क्यूब का 3 15 3 सी, आपका ये 1 15, 5 सी स्क्वायर का 2 5, ये वाला सी स्क्वायर का 2 सी, और ये बाहर वाला सी। सी और सी, सी और सी, सी सी कट। 15 1 15 1, 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 5 3 15, ये क्यूब। 3 3 9 द होल क्यूब, विच इज 9 9 81, 81 into 9 7 20 9। अगेन एक्सप्लेनिंग, ए को आपने 15 सी समझ लिया, 15 सी को आपने यहाँ पे क्यूब किया, बी को आपने 5 सी समझ लिया, 5 सी को यहाँ पे स्क्वायर किया है एज पर कंडीशंस। आपने 15 सी द होल क्यूब था, 15 को 3 बार लिखा, सी को 3 बार लिखा, ये वाला 15 बाहर था, ये 5 दो बार लिखा, ये सी 2 बार लिखा, ये वाला सी जो बाहर था, सब सी कट हो गया, 5 5 3 3 के साथ कट हो गया, 15 और 15 कट हो गया, 3 3 9 आया, 9 9 81, 81 into 9 729। अगेन ए क्यूब की जगह 15 सी द होल क्यूब अपॉन 7 इंटू बी क्या है 5 सी इंटू सी। अगेन यू विल राइट 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू सी इंटू सी इंटू सी, ये हो गया आपका 7 इंटू 5 सी हो जाएगा 5 इंटू सी इंटू सी। Let us just check it, a square, okay, here it is a square, यहाँ पे a square है, तो आपका 1 15 और 1 सी कट हो जाता है सी इंटू सी, तो ये सी और ये सी, ये सी और ये सी कट, 5 1 5 5 3 15, 15 3 हो गया आपका 105, 3 5 15 1, ओके 3 5 15 3 1 3 plus 1 4 45 upon 7, आपको दूसरे का आंसर आएगा 45 upon 7। टेक अ गुड लुक एट दिस वन, वी विल मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन। 0.04 into 0.4 into a square root of this whole is equal to 0.4 into 0.04 into square root of b। मैं जस्ट रिमाइंड यू, जब आप नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर रूट हर एक पे लगता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 इंटू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4 into 0.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। स्क्वायर रूट ऑफ बी यहाँ मल्टीप्लाई रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड, विच मीन्स 0.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी, यहाँ आएगा आपका 0.4 into 0.04। ये दोनों नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई रहा है, यहाँ जाएंगे तो डिवाइड, मतलब रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी आपको आएगा 0.4 into 0.04 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.4। आप इन दोनों को एक ही उसमें ले लो, रूट ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4 into 0.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.4। मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है दोनों साइड में, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर, स्क्वायर से स्क्वायर कर दूंगा, टेकिंग सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, आपका रूट ऑफ ए अपॉन बी बचेगा सिर्फ ए अपॉन बी, ये हो जाएगा आपका 0.4 into 0.04 द होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा आपका 0.04 into 0.4। स्क्वायर करोगे तो जहां जहां स्क्वायर रूट था वहां कट जाएगा, जहां स्क्वायर नहीं था वो उसका डबल होता जाएगा,
मतलब ये अपॉन बी आपको आएगा 0.4 इंटू 0.04। ये स्क्वायर है, मतलब क्या है, दो बार हो रहा है 0.4 इंटू 0.04, दो बार 0.4, दो बार 0.04। नीचे जो एक बार 0.4 इंटू 0.04 था वो, ये और ये कट, ये और ये कट, मतलब आपका आंसर आएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 अपॉन 1। लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई 0.04 इंटू 0.4, 4 4 16 10 0 0 0, ये हो गया आपका 0 0 1 6 1 2 3, 0. आएगा आपका आंसर ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.016 अपॉन 1। इट्स अ टैग बिट डिफिकल्ट सम बिकॉज यहाँ पे 0.4 और 0.04 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड इसमें थोड़ा सर्च का भी एप्लीकेशन है। तो अगर आपको सर्च का इम्प्लीकेशन नहीं समझा तो आप कोशिश करो कि प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने सर्च किया था तो उसको थोड़ा सा गो थ्रू करने के लिए। वी मूव ऑन टू द लास्ट सम ऑफ दिस लेक्चर, द सेवेंथ सम। सेवेंथ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, x plus 3 ratio x plus 11 is equal to x minus 2 upon x plus 1. Find the value of x. X plus 3 ratio x plus 11 is nothing but x plus 11 is equal to x minus 2 upon x plus 1. Cross multiply this, x plus 3 into x plus 1 is equal to x plus 11 into x minus, this gives you x into x, x square, x into 1, 1x, 3 into x, 3x, 3 into 1, 3, 8, 2, 3, 4, samjha, x into x, x square, x into minus 2, minus 2x, 11 into x, 11x, 11 into minus 2, minus 22, 8, 2, 3, 4, x square and x square gets cancelled. You will get 4x plus 3. This becomes 11 minus 2 becomes 9x minus 22. Plus 11 minus 2 plus 9. Minus 22 yaha gaya plus 3 plus 22. Plus 4x yaha gaya minus. 9x minus 4x gives you 5x upon 25. So x is equal to kya gaya aapka? 25 upon 5, 5 1s are 5, 5 are, therefore x is how much? 5. Just simple cross multiplication of this sum, no nothing added extra knowledge. Take a good look at this sum and then we'll move on and then we'll meet in the next lecture. Practice at 4.3. till then, take care, stay home and stay safe.